जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने महानगर के दुकानों के बंद होने की समय सीमा बढ़ा दी है, जिससे दुकानों पर भीड़ ना हो। जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने बताया कि पहले दुकानों के बंद करने का समय शाम को 7 बजे निर्धारित था, जिससे कि मार्केट में भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही थी और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पा रहा था, जिसको देखते हुए दुकानों के समय सीमा को बढ़ाकर 9 बजे तक कर दिया गया है। अब दुकानों पर सख्ती की जाएगी, सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अब किसी के दुकान पर भीड़ पाई जाएगी तो उसके दुकान को तत्काल सील किया जाएगा एवं उसके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा। जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा कि प्रतिदिन 200 से 300 केस निकल रहा है तथा प्रतिदिन 2 से 3 हजार जाँच हो रहा है, जिससे कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिलाधिकारी ने सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाँच की सुविधा उपलब्ध है, कोई भी व्यक्ति लक्षण दिखते पर जांच करा सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकतर लोग शासन के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, ना मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत आवश्यकता पर ही घर से बाहर निकले, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, ये दुकान का देखिए हम लोग लिमिटेड टाइम देने में क्या है, कहीं भागदौड़ी मच रहा, इसलिए हम लोग पूरा समय दिए हैं। बट अभी इस बार शक्ति हम बढ़ाएंगे, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क तो पहन रहे हैं शहर के अंदर। हमारा बड़ा चुनौती सोशल डिस्टेंसिंग का है, कितने बार कहने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है। अभी आगे हम लोग समय भरपूर देंगे जो दुकानदार का और जनता का, बट सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ नहीं होता है वहाँ बहुत सख्ती से हम कार्रवाई करेंगे, दुकान का सील करेंगे, FIR करना पड़ेगा, FIR भी करेंगे, ताकि एक आदमी अपने लापरवाही से अपने जान के लिए तो ठीक है खतरा पहुँचा रहा है तो ठीक है, बट बाकी जनता के लिए खतरा पहुँचा रहा है ये तो बहुत गंभीर विषय है, उसके ऊपर हम लोग सीरियसली कार्रवाई करेंगे। सर कोई अपील आपके मेरा तरफ से देखिए, मैं बार बार हाथ जोड़ के आपका विनम्र निवेदन करता हूँ। देखिए ये पीक में है हम गोरखपुर, एक तरफ से आप देख ही रहे हैं तो 200-300 केस रोज़ निकल रही है, ताकि हम लोग जांचें भी बढ़ा रहे हैं। पर डे तो 2500 से 3000 जांचें हमारा कर रहा है, पहले से जनता लोगों को जांच करने में लिए परेशानी हो रही थी, अभी इस समय में कहीं जांच करना तो बहुत सरल कर दिया। हम लोग 40 जगह सरकार ने सुबह से शाम तक कर रही है, उसके अलावा प्राइवेट लैब भी आलोक किए, उसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हमने एंटीजन किट दिए, किसी को भी जाँच होना है वो आकर के आराम से कर सकता है, शाम तक रिजल्ट भी पता चल जाता है। बट कुछ लोग लापरवाही की वजह, ये होम आइसोलेशन सरकार ने बताया उसको ढंग से पालन नहीं करते, दूसरा कितने बार कहने के बाद भी ये मास्क पहनना, 2 गज का दूरी और हाथ धोना, ये तीनों मूल मंत्र का भूलते हैं इसको। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ, हमारा पास रिसोर्सेस सीमित है, कितने बेड है उसको भी एक सीमा है, कितने डॉक्टर है उसके भी सीमा है। अब तो बीमारी लोग बढ़ते जाएंगे, बीमार लोग बढ़ते जाएंगे, हम एक सीमा के बाद हमारे भी मुश्किल पड़ेगा। आपसे विनम्र अनुरोध है, इसको आप हमें सहयोग नहीं करेंगे फिर ये बीमारी का काबू करना और लड़ना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल काम होगा। आपसे इतने अनुरोध करता हूँ, ज़रूरत है तब घर से बाहर निकालिए, लिमिट करिए आपका मूवमेंट का, ताकि उतने लिमिट करते हैं उतने सेफ रहेंगे आप। घर से बेहतर सेफ जगह इस समय में दुनिया में कहीं भी नहीं है, आप घर का अंदर ही रहिए, कोशिश करिए घर का अंदर ही सारे काम निपटा दें, ज़रूरत पड़ता है तो एक जन जा करके अपने काम निपटा के आ जाए, और मास्क बिना मास्क के कतई बाहर नहीं निकलना है, ताकि ये तो हवा में भी फैलता है, अब तो देख ही रहे हैं आप लोग केस वैसे आ रहा। और 2 गज का दूरी, कहीं भी जाएंगे, बस स्टेशन जाएं, रेलवे से में जाएं, किसी में भी जाएंगे, 2 गज की दूरी कतई ना भूलें। आपके सामने जो आदमी खड़ा है आप सोच के जाइए उनका कोरोना है, जो चीज़ आपके सामने पड़ा है उस पर कोरोना का वायरस पड़ा है, ये दोनों चीज़ आप दिमाग में रखना होगा। और हाथ बार बार धो लीजिए, ताकि ये सांस के नली के जरिए से अंदर जाता है, सांस के नली तक पहुंचाने के लिए हमारा हाथ ही उसका साधन के रूप से प्रयोग करता है, ताकि वायरस कहीं भी है छू लिए उसके बाद कहीं नली के, सांस के नली के आसपास लेके आए, फिर वो अंदर चले जाता है, फिर फेफड़े में भर जाता है। मैं आपसे इसलिए बार बार कह रहा हूँ, तीन मूल मंत्र कतई ना भूल जाए, ये आपका ये जान का विषय है, और जान के ऊपर कोई भी चीज़ आता है तो हम लोग सीरियसली लेना होगा, मैं यही निवेदन करता हूँ।